भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार के कार्यकाल में देश को एक नई पहचान मिली है। सिरमौर जिला के नौनीधार में एक नुक्कड़ जनसभा को संबोधित करते हुए सुरेश कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री लगातार देश को विकसित राष्ट्र बनाने की चिंता में रहते हैं और इसी उद्देश्य के साथ दिन रात देश को समृद्ध करने में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से पहले और 2014 के बाद देश में बड़ा अंतर देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में देश लगातार आगे बढ़ रहा है, जबकि वर्ष 2014 से पहले की कांग्रेस सरकार के समय में देश की पहचान सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए होती थी। सांसद सुरेश कश्यप ने पिछले 5 दिनों में लगातार सिरमौर जिला के अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर चुनाव प्रचार किया है। कोरोना के बाद 2024 तक की बात, तो दोनों में अगर अंतर देखेंगे तो कितना बड़ा अंतर है। एक समय यह था जब हमारा देश केवल और केवल भ्रष्टाचार और घोटालों के लिए जाना जाता, कितना भ्रष्टाचार कभी स्पेक्ट्रम घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम, फिर खेल घोटाला, पनडुब्बी घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, ट्रैक्टर घोटाला, अनाज घोटाला, भूमि घोटाला, स्टैंप घोटाला, बंडा, मतलब इतने घोटाले होते थे।